वेलकम टू इन स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सप्लोर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, कल का हम लोग देखे फर्स्ट पार्ट हैदराबाद टू गोवा, देन सेकंड पार्ट गोवा का बीच बताए हम लोग, मैचेस बताए। आज थर्ड पार्ट में मैचेस वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे बच्चों का, सिर्फ फूड, साइट सीन, लंच, डिनर और बच्चों का बीच रहेगा। अब देखिए बीच में एंजॉय, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ये बताऊंगा कि हम लोग शॉप्स में जाएंगे, शॉप्स का रेट, ड्रेस का रेट, कैशू जो काजू रहता ना, काजू का रेट, और काजू कैसे है? मैं कल गया था शाम में काजू के लिए, 800-900 के जी, मतलब अच्छा क्वालिटी काजू, अच्छा क्वालिटी का काजू रहता है। और बादाम भी अच्छा है, बादाम भी अच्छा। चॉकलेट यहाँ पर थोड़ा चॉकलेट सर एक्सपेंसिव भी रहेंगे शायद यहाँ पे, चॉकलेट एक्सपेंसिव, मतलब बहुत सारे वैरायटीज में चॉकलेट्स यहाँ पे, और जेली चॉकलेट। और मैं देखा कि क्या बोलते अपने गरम मसाला, हाँ गरम मसाला, इलायची या दालचीनी या सर में जो बोलते हैं काली मिर्ची, या वो यहाँ पर थोड़ा अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, हम लोग वो भी आपको परचेस करेंगे। उसका रेट क्या होता है शॉप में जाके वो भी बताएंगे आपको। अब बच्चों का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में लंच, ब्रेकफास्ट लंच आप थोड़ा फूड बताऊंगा गोवा का मैच, उसके बाद कल का जो मेरा पार्ट रहेगा वो पार्ट ज़रूर देखिए आप, हम लोग विजिट करेंगे ओल्ड गोवा फोर्ट, बीचेस, कोलाबा बीच, फिर फूड, डिनर, पूरा कल का ये कल का जो रहेगा चौथा पार्ट रहेगा, थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट जो रहेगा हैदराबाद टू जर्नी तो गोवा, या क्रूज का भी हम लोग इंशाल्लाह क्रूज का भी जाएंगे हम लोग, वो भी आपको बताऊंगा मैं वहाँ का कैसा रहता क्या। ओके, आज का जो है जबरदस्त रहेगा, आज का कंपलसरी वीडियो लास्ट तक देखना, जो लास्ट तक नहीं देखेंगे आप लोग मिस करेंगे। आपके जो आपको जो चाहिए गोवा में, गोवा का रेट कैसा रहता है, कपड़ों का, ड्रेसेस का और काजू का, वो आपको मैं पूरा बताऊंगा। थैंक यू, आगे देखिए ब्रेकफास्ट का। थैंक यू, जबरदस्त अच्छा है, एकदम फ्रेश है, फ्रेश है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अरे पाइनएप्पल जूस भी है, फ्रेश है, इवन वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन इसलिए पीना कि थोड़ा ठंडा रहता है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मगर टेम्परेचर कम है, 26-27 है गोवा में, हैदराबाद में 42-43 है, हैदराबाद में टेम्परेचर। गड्डी साहब कैसा है जूस? नाइस, बिल्कुल अच्छा है। अरे थैंक यू डार्लिंग, कैसा है अरमान? अच्छा है जूस, कैसा है? पाइनएप्पल जूस पूरे देखिए बच्चे, वाटरमेलन, यू वांट वाटरमेलन बेटा? यस, और दो और आर इधर इधर तैयार हो रहा, देखो आलू पराठा है ना सभी, आलू पराठा तैयार हो रहा, जबरदस्त ये लोग तैयार करके दे रहे हैं, देखो हम आपको आलू पराठा तैयार हो रहा, इसके साथ आमलेट भी हो रहा साहब, ये आमलेट भी तैयार हो रहा। थैंक यू वेरी मच बच्चों के लिए, देखिए मैं किचन में आ गया, बच्चों के लिए आलू पराठा तैयार हो रहा, ये तैयार हो रहा, और ये जूसेस है, ये फूड है। क्या है ब्रेकफास्ट में? ऑमलेट, ऑमलेट, ब्रेड जैम, टोस्ट ब्रेड, ओके, और उसके साथ फिर ये आलू पराठा, दही, ये देन उसके साथ ये जूस भी, जूस दीवानी लोग पूरे खा रहे हैं, ये इधर रख दीजिए, ये बच्चे खा रहे हैं, देखिए ब्रेकफास्ट पूरा बच्चों का। रेट क्या है ये? 250 का है, 250 का है ये, और देखिए, और ये एक्सेल है, मेरा साइज है, और छोटे बच्चों का क्या रेट में आता है? छोटे बच्चों का कितना बड़ा लेंगे वो? 6-7 साल के बच्चे हैं, 7 साल का लिया तो 300 आएगा, सेट आएगा, पैंट शर्ट दोनों आएगा, पैंट शर्ट में दोनों आएगा, बताइए जरा। और शॉर्ट्स में लड़कियों के लिए, बेटी के लिए, लड़की के लिए उधर है बहुत, ये बताइए जरा बच्चों के लिए, इस तरह का सेट आएगा, कलर मिलेगा, कलर मिलेगा, शर्ट आ गया, हाँ ये पैंट आ गया बच्चों के लिए, क्या उम्र के बच्चा पहन सकता है? ये 6 है तो 6-7-8 साल के बच्चे तक पहन सकते हैं। ये देखिए हम लोग शॉपिंग के लिए इधर, आपको बोला करना चाहता है शॉपिंग का, बताते हैं वाला, फर्स्ट वाला, हाँ वो वाला बताइए, कपड़ा कौन सा है वो? पॉलिएस्टर, हाँ दे दीजिए, तीन हो गए ना, और कुछ लड़कियों के लिए बताइए शॉपिंग का। ये देखिए हम लोग, भाई का नाम क्या है? मोहम्मद सफरान, मोहम्मद भाई है हमारे साथ, मेरा नाम सैयद है, मोहम्मद भाई आए हुए हैं, वालेकुम। और ये हम लोग लिए, देखिए ये अपने को हमारे लिए रेट बोलने वाला है, इनका रेट क्या, आपका रेट क्या है सर? ये तो 550, ये 550 का है, मगर हमारे लिए कम कर दे रहे हैं, आप आइए दुकान पर। ये एक हो गया, देन दो, तीन हो गए, तीन ड्रेसेस हो गए, मीडियम हो गया, मतलब इसके लिए लिए थे, हाँ हाँ ओके, मोहम्मद के लिए दीजिए, ये हो गया, बच्चों के सेट लिए, दो कलर में आपने लिया था वो, आप ले लीजिए, मैं मिला दूंगा रेट, नहीं आपके लिए कुछ चाहिए तो यहाँ है। और ये कैसा? वही
एक ही रेट में इसका मैं कर दूंगा, रेट में रेट में गुंजाइश हो जाती है, आप आके आप ले सकते हैं। आप शॉपिंग का हमारा ये दिखा दो, ये हमारा स्पेशल एम्ब्रॉयडरी करते हैं, बैग बनाते हैं, इस तरह के हैंडवर्क प्योर होता है, हैंडवर्क बता दीजिए, बनाते हैं लोग बना के भी देते हैं, कौन सा भी डिजाइन है, और डायमंड एम्ब्रॉयडरी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर डाल देता हूँ, आप देख लीजिए, हमें शॉपिंग को आए हुए हैं, आप यहाँ भी कुछ चाहिए तो ठीक है, थैंक यू, आगे और बताऊँगा मैं। ठीक है, बच्चे रिसोर्ट में क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ग्राउंड में खेलते हैं या फिर यहाँ पर एकेडमी में खेलते हैं, रिसोर्ट में खेलने का गोवा का मज़ा, गोवा में जाता हो कहीं भी जाइए, ये देखिए रिसोर्ट है, देखिए गोवा का रिसोर्ट है, रिसोर्ट ये खेल रहे देखिए बच्चे, ये रिसोर्ट में खेल रहे बच्चे, रात के क्रिकेट अलग खेल रहे थे, दिन की आप निकलते हैं, बस आती है अभी, ये पूरा रिसोर्ट है, ये आप देख सकते हैं पूरा रिसोर्ट है ये, अभी क्रिकेट चली, अभी यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद का आपको बताऊंगा। ये ज़्यादा था, ये बीच है, अभी देखो पौधे छोड़ गया, देखो पानी जब तक आते पूरा साइड सीन के लिए निकल रहे अभी बीच के लिए, बागा बीच के जाने के तुवाल वाल रेडी है, शॉर्ट्स रख लिए घूमने के लिए, और एक्स्ट्रा ड्रेस रख लिए, रख लिए ना गोगल्स, मैच इज ओवर और वी आर गोइंग टू घूमने के लिए, सही है ना, आज देखिए घूमने के लिए जा रहे हम लोग, और यहाँ से हम लोग जाएंगे फोर्ट जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग चढ़ जाएंगे, चढ़ से पूरा थोड़ा पंजीम बताएंगे, आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा ब्लॉग रहेंगे, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, आज आते जाते दिखते जाइए आप लोग पूरे, कैमरे कैन बोला नाम, कैमरे कैन विवान, विशाल, वेट फेल हो गया तू, मैं क्या बोला, कैमरे कैन बोला विवान, विशाल, ऋषिक, सूर्या, वंशी, अमायू अब देखिए ये जा रहे बच्चे लोग, यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे आगे जाएंगे, आगे से आपको क्या क्या इधर का जर्नी है क्या है, वेदर देखिए इट इज़ वेरी गुड वेदर, यू कैन सी वेदर इज़ वेरी गुड, कोकोनट ऑयल, ऑल क्लॉडी वेदर, आज मौसम ठंडा है, हाँ वी आर वेरी लकी, हम लोग ठंडे ऑलमोस्ट 26-27 टेम्परेचर है और मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और मालूम है कि हैदराबाद में पानी पड़ रहा है, मगर हम लोग यहाँ से आप बीच पर जाएंगे, कहाँ कहाँ बताऊँगा आपको, देखिए बारिश का ही मजा ले रहे हम लोग, इतने दिन से दो दिन से दूर था, मैचेस कम्प्लीट हो गए, उसके बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई, अब देखिए ये कंटेंट का मजा है, देखिए कब बारिश होती क्या है बोल ना सकते, पूरा ग्रीनरी देखो कितना प्यारा खूबसूरत है, और बर्फ भी चल रहा है इधर, चलो भाई अब ये देख सकते हैं पूरा, अभी जा रहे हैं, देखिए पबजी राम हम लोग जा रहे हैं, फोर्ट पे जा रहे हैं, बारिश तो हो रही, आगे जाके रुक जाए तो बारिश तो बहुत सुकून हो जाता, वहाँ बारिश हो रही, हम लोग देखिए टर्निंग तो शार्प है, बारिश हो रही, पूरा कोंकण में ऐसी रहता, कब बारिश होती क्या है कुछ बोलने से थे कोंकण में गोवा में, और ये बेल्ट जो है ये रहा है कोस्टल बेल्ट, मैंगलोर से लेके आप बॉम्बे तक आपको ऐसी मिलेगा वेदर, कभी भी धूप कभी भी हो और ह्यूमिडिटी रहेंगी, देखिए बारिश हो रही, कल तक दो दिन से तो ह्यूमिडिटी थी, टेम्परेचर अच्छा था, 30 टेम्परेचर था, बच्चे मैचेस वगैरह खेल लिए और जीते वगैरह भी, बड़ा फुट का भी एंजॉय कर रहे बच्चे,
अभी 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 फोर्ट पे जा रहे, देखिए आराम से अभी जाएंगे, अभी जाके आराम से अब यहाँ से एंजॉय करिए। ये देखिए कैसे टू रोड, देखिए कैसे नैरो रोड, कैसे यहाँ से मज़ा आता रोड पे। रोड पे आप कभी भी रोड पे जाएंगे एंजॉय करेंगे रोड पे। सफ़र में कभी भी एंजॉय करना करता, सफ़र आप पहुँचने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो रास्ता जो मिलता है वो उस पर बहुत एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, ये रास्ता हमारे पास हैदराबाद में नहीं मिलता है। रोड्स ये कोस्टल बेल्ट, ये लेफ्ट साइड में पूरा समंदर है, राइट साइड में पूरा पहाड़ है, बीच में रोड है, ओ ब्यूटीफुल, सो नाइस। देखिए ये कोस्टल का है, देखिए ये बैक वाटर है, गोवा का बैक वाटर है ये, यहाँ से आप जा सकते हैं, अगोंडा जा सकते हैं आप घूमने के लिए, कहाँ और मानी और किधर किधर जा सकते हैं। आगे भी देखिए, अब देखिए ये ट्रीट रेस्टोरेंट है ये, अब यहाँ से देखिए ये बैक वाटर है, देखिए ये शूटिंग वगैरह इधर होता है इधर, ये देखो ये जा रहे हैं, देखिए नीचे बैकवाटर है, देखिए गोवा का। अब यहाँ पर आप देखो शूटिंग वगैरह ये होते हैं इधर से बैकवाटर में, और राइट साइड पे देखो नदी जा रही, दो नदियों का मिल यहाँ पर संगम हो रहा है, देखिए ये आगे बीच है, ये बीच का बैकवाटर है, गोवा का बैकवाटर है, जैसा केरला का समंदर के पीछे सी व्यू है, देखो वो सी व्यू है, अगोंडा बीच है ये, और ये मजा आ रहा है देखने, हैदराबाद में नहीं मिलता आपको ये, ये सब मच्छी, ये सब फ्रेश फ्रेश, ये देखिए देखिए ये पूरा शिपिंग विपिंग होता है पर फ्रेश फ्रेश राइट पे मच्छी है यहाँ पर, वेंडर देखिए ये देख सकते हैं आपको, अभी बारिश के लिए नहीं दिख रहा वो बीच है पीछे, और ये एंजॉय कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। हैदराबाद में नहीं मिलता आपको, अगोंडा अगोंडा बीच है ये, देखिए ये पूरा फॉरेस्ट है ये, आप देख सकते हैं पूरा वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट, बारिश भी आ रही है वेस्टर्न घाट जो पहाड़, और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप लोग सी व्यू है, नीचे देख सकते हैं घाट कैसा है। ये मजा देखिए सिर्फ गोवा में आता है और कुंटर में आता है, कुंटर में आप जब भी फिरेंगे ये आपको जरूर मिलेंगे घाटा, और राइट समंदर मिलेगा, गर्मी मिलेंगी और खाना अच्छा मिलेगा। देखिए बारिश भी कम हो गया, ये देखिए रोड देखो कितने नैरो रोड से, जबरदस्त मजा आ रहा है यहाँ पर, बच्चे एंजॉय कर लेते हुए जा रहे हैं। ग्रीनरी कितनी अच्छी ग्रीनरी है, देखिए ये ग्रीनरी अपने हैदराबाद में हमको ग्रीनरी नहीं मिलती, पूरे झाड़ है, देखिए आम का झाड़, नारियल का झाड़ थोड़ा ज्यादा है, आम का झाड़ है, कोकोनट पूरा कोकोनट है, देखिए मुंजल है, कोकोनट है, और ये सुपारी का झाड़ है, देखिए सुपारी जो मिलती है ना जो खाते पान में, सुपारी का झाड़ है ये, तेरी बनता है। और गोवा में क्या है बोलते, ये घाट चढ़े देखिए अभी हम लोग, और क्या है काली मिर्ची वगैरह आप आधा वो अच्छा मिलती, काली मिर्ची वगैरह यहाँ पर गर्म मसाला अच्छा मिलेगा आपको, स्पाइसी और सुपारी, काजू, कोकोनट और मैंगो, वो लोग काजू था बोलते ना, गोवा का काजू अच्छा रहता बोल के, ये काजू का यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, हाँ उससे फेनी वनी वगैरह ये वो निकालते हैं। ये गांव है देखिए, ये टेम्पल है देखिए, जबरदस्त टेम्पल है, आके आपके आप दर्शन भी कर ले सकते हैं आके टेम्पल का। देखिए पूरा कैसा है, देखिए रोड देखिए कैसे बना के रखे लोग, हम लोग जो रेगुलर जा रहे थे वो रोड अलग है, और ये तो कम्प्लीटली अलग रोड है, क्या था मेरे बहुत अलग रोड है ये। अब देखिए ये नीचे का जो है वो शिपयारी के झाड़ा है, और कुछ कुछ जंगली झाड़ा है ना, देखिए इतना डाउन है, जबरदस्त है देखिए व्यू, देखिए आप देखिए आप देख सकते हैं। हाँ हाँ आए तो कभी आराम से गाड़ी चलाना, इधर गोवा में आए तो कभी आराम से गाड़ी चलाना, अब आम हर आदमी चलाने की बहुत खुशी होता है, देखिए जबरदस्त व्यू, ड्राइवर हायर करके एंजॉय करना, रोड देखो कहते नैरो से, कब किधर लेफ्ट लेना राइट लेना आप देखो, डे आदमी को आइडिया नहीं रहता, और रात में चलाना तो और भी मुश्किल है, अब डे है चले आ रहा हम लोग चला ले रहे, रात में तो और मुश्किल होता। देखिए ब्यूटीफुल व्यू है, व्यू देखो आप पूरा कम्प्लीटली प्लांटेशन, ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी अपने पास नहीं मिलता हैदराबाद में, काजू काजू देखिए काजू है, फिर कोकोनट है, मैंगो है, ये प्लांटेशन और काली मिर्ची वगैरह प्लांटेशन, पूरे लेफ्ट साइड में काजू के झाड़ा है, ये काजू है देखिए पूरा लेफ्ट साइड, ये काजू लगे हुआ है, देखिए काजू लगे हुआ है, देखिए आपके काजू का झाड़ा, देखिए नीचे देखिए पूरा काजू का झाड़ा है, काजू लगे हुआ है पूरा, निकालने को मिलता है, काज ऊपर देगा काजू, चलिए पूरा काजू का झाड़ है, तनवीर पर रेडी है तोड़ने के वास्ते, और इजाजत लेना पड़ता किसी का, आप थोड़ा ले लो इधर से,
ब्लॉक को दिखाएंगे ना काजीरंगा कैसा जाता है तो दिखाएंगे ना ओके ये रस्ते से अभी देखो हम लोग अभी ऊपर है अभी अभी नीचे अभी ले रहा हूँ अभी यू टर्न लेंगे अभी नीचे अभी जो नीचे का रोड दिखा ना उधर आएंगे हम लोग देखिए ऊपर है अभी काब्जी राम हाँ देखिए यहाँ पर है देखिए काब्जी राम का फोर्ट है ये अब यहाँ से हम लोग देखिए अब देखिए लेफ्ट तो कितना नैरो रोड से देखो ये नैरो रोड से बब्बू नैरो रोड से पूरे कम्प्लीटली अभी ऊपर से जो बतलाया था आपको ऊपर का है वो अब नीचे जा रहे हम लोग नैरो रोड कब बनाए क्या है समझ में दिमाग काम नहीं करता सोचे तो चलिए आगे का बता दो आपको अब फिर यहाँ से भी ऊपर चढ़ रहे ऊपर जा रहे हैं अभी ये नीचे का देखिए जबरदस्त व्यू ये ऊपर का है रोड देखो कैसे नैरो रोड से नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर सोचे तो दिमाग काम नहीं करता अब देखिए एकदम एकदम अब देखो ऊपर चढ़ रहे हैं ये ऊपर जा रहे देखिए एक गाड़ी आई तो सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है रुक देना पड़ा हमको उधर से गाड़ी आ रही फिर हम लोग काजवा नीचे गिरे हुए देखो ए रेड्डी साहब कैसा है सीन बिल्कुल अच्छा है अच्छा है हमारे साथ देखिए बांगी साहब आए हुए हमारे साथ सर एंजॉय करे सर फुल एंजॉय करे नाइट भी एंजॉय करे चलो फूड फूड गुड ना होटल इज गुड ना सर देखिए ये पूरा बीच है देखिए ये फुटबॉल ग्राउंड है क्या ये आर्मी स्कूल है ये स्कूल है देखिए बड़ा स्कूल है और बारिश बहुत हुई थी यहाँ पर अब हम लोग किस्मत ऐसी इतनी अच्छी है कि भगवान हमारे पास देखिए बल्ला का बारिश अब आते बारिश रुक गया ये स्कूल है देखिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल कितना अच्छा स्कूल है देखो स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल कितना अच्छा स्कूल है एजुकेशन पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं लोग गोवा में कि वो जो एजुकेशन सबसे एजुकेशन इम्पोर्टेंट है देखिए पानी जा रहा है देखिए आराम से नीचे जा रहा पानी ये देखिए बना के रख दिया ये लोग नाला देखो नाला अपने हिसाब से चले जा रहा पानी नेचुरल पानी ये पानी जाके पूरा समुद्र में मिल जाता क्या बोलते हैं समुद्र में मिल रहा पानी है ये बिफोर पोर्चुगल्स ये पोर्चुगल्स बनाए से ये अभी भी है क्या पोर्चुगल्स का थोड़ा दबदबा देखिए पूरा पोर्चुगल्स ये बच्चे आ रहे थे स्कूल देखिए पाकिराम फोर्ट बोलते स्कूल ये चर्च है बच्चे आए हुए देखिए फोर्ट देखने के लिए चलो ये फोर्ट है और ये बिग क्या बोलते हैं अपने दरवाजा बेड और ये फोटो है ये बस इतना ही है देखिए फोटो ज़्यादा कुछ भी नहीं ये फोटो है ये वॉल है अंदर उतना खास नहीं है मगर आप आके एक बार तो आ सकते हैं लाइफ में ज़्यादा आए तो फिर टाइम वेस्ट ये पूरा नदी है तो अब देखिए सी यू वी है देखिए ये पूरा अपन आ रहे हैं अभी इधर से अभी पीछे देखो पूरा समंदर है और ब्यूटीफुल व्यू बहुत खूबसूरत व्यू है देखो यहाँ से देखो हाँ रेड क्रॉस समंदर वेदर अच्छा कर दिया देखिए ऐसा गांव अपने पास नहीं मिलता देखिए हैदराबाद में इधर कितना खूबसूरत है नीचे देखो हट के पास देखो एकदम घाट ये वेदर एंड ये ग्रीनरी ओ ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल आपको देखिए वेस्ट इधर बैक वाटर का थोड़ा पानी भी आ रहा आप किश्ती से ये भी है बैक वाटर है देखिए बैक वाटर है देखिए समंदर का बैक वाटर भी है और ये पूरा घर है देखिए पूरा हट से और रूम्स भी अवेलेबल है यहाँ पर इतने अंदर भी रूम्स अवेलेबल है होटल्स है खाने पीने के लिए ये प्राइवेट बीच है भैया इधर ये इधर का तो प्राइवेट बीच है ये पीछे समंदर है और ये देखिए पूरा कम्प्लीटली ज़बरदस्त हट देखिए घर देखिए कितने अच्छे दिख रहे ऐसा सीनरी पूरा ग्रीनरी देखो कितना अच्छा है रोड्स अभी देखिए यहाँ से अब घाट देखिए यहाँ से देखो अब कितना देखो नैरो देखो रोड देखो रोड्स कितने नैरो रोड्स है अब ये लेफ्ट साइड में देखो तो आपको नीचे से पानी जा रहा नाले वगैरह बना के रेडी रखे लोग
सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, एंजॉय कर सकते हैं। ये रोड अपने गोवा में ड्राइव स्लो करना बस, पर ये है देखिए ड्राइव स्लो करना बस खत्म। ये टर्निंग देखिए कैसा शार्प हेयर बैंड टर्न है, जब ऊटी में रहता नहीं वैसा है। अभी हम लोग इधर से आए देखिए, तो ये रोड से आए अभी हम लोग, पीछे से आए इधर से, नीचे से देखिए ऊपर से नीचे उतरे, पीछे देखिए सर पीछे पूरा काजू, पूरा काजू प्लांटेशन है, ओएनजीसी प्रोजेक्ट है ये, जो हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए थे, इसको ओपनिंग करें, कब करेंगे ओपनिंग? ये फरवरी 6 फरवरी 6 को ओपनिंग करेंगे। ये ओएनजीसी का देखिए यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब आए थे यहाँ पर, इधर आके पूरा ये ओपनिंग करके गए, ये पूरा देखिए कितना जबरदस्त। ओएनजीसी का क्या पूरा मतलब क्या है? ऑयल नेशनल गैस सर्विस, उसका ओपनिंग करके गए इंडिया को, इंडिया में सप्लाई होता है, लिंक रहता देखिए गैस का देखिये इधर सेमिनार था, सब मीटिंग हुए था इधर, इधर बाद में आके उनका रहता नहीं प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट करे मिशन हो के वो सब इनॉग्रेशन करके गए, देखिए करके गए, देखिए ये पूरा वही देखिए पूरा जबरदस्त पुचिकल सर, देखो मार्गाव पंजीम एयरपोर्ट रोड है ये पूरा पुचिकल रोड है, ये बैक वाटर है देखिए, यहाँ से आप पानी वानी में जा कहीं भी जा सकते, समंदर में मिल सकते बैक वाटर, और ये देखिए हम लोग जाके आप जाके हाईवे पे भी जाते हैं करेक्ट है ना, हाईवे पे अभी थोड़ा हार्ड टाइम है हाईवे पे मिलने को। अब देखिए ये ऊपर ये देखिए यहाँ से हम लोग अभी देखो आप कितना बैतूल करके है, यहाँ मच्छी का ज्यादातर पोर्ट मच्छी का लगता है, कहीं का ये बैतूल बैतूल बैतूल, ये देखो देखो समंदर, अरे सामने देखिए समंदर, क्या व्यू है देखो, व्यू देखने के लिए मैं आपको बोला था वीडियो ले रहा हूँ मच्छी, वो देखो पोर्ट है देखिए कितना खूबसूरत है देखिए, मच्छी मारने ट्रॉलर बोलते देखिए इसको, ये जो है ना पीछे का ये ट्रॉलर है ये, और ये पूरा बैक वाटर है, ये बैक वाटर मिलता है आपको इधर, अब ये लहर जो आ रही है वो समंदर है पूरा, ये पूरा समंदर है, लहर आ रही पूरी देखिए, लाइट हल्की सी बूंदा बांदी स्टार्ट हो गई, ये पूरा पुर्तगाल बनाया से देखो ओल्ड ब्रिज है ये, बहुत सालों ये पूरा बैक वाटर है, किश्ती वगैरह जाता है ये पूरा बैक वाटर है, ये पूरा बैक वाटर है देखिए, केरला में मिलता है बैक वाटर, ये देखिए ये घर, ये घरा वाला देखिए पूरे मच्छी वालों के घर है ये पूरे छोटे छोटे नावा, ये देखिए ये कितना फिशिंग बिजनेस है पूरे देखिए, फ्रेश फिश मिलता है, फ्रेश पूरा मच्छी फ्रेश मिल जाता, बाजार है थोड़ा सा ये तो ये बाजार है देखिए, बैतूल का बाजार है ये, आपके यहाँ पर थोड़ा गाँव है, एकदम ऐसा दिखता है कि आप इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है मगर आप हिंदुस्तान में, बैतूल एरिया पूरा बैतूल बैतूल बीटीयूएल, यहाँ से मच्छी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से पूरे केरला के लिए, बाद में आपका केरला, हाँ मच्छी का पोर्ट है, इधर मच्छी का पोर्ट है, यहाँ से पूरा मच्छी एक्सपोर्ट होता है, बैतूल का मंदिर आता भैया, राम मंदिर है यार, नहीं है ऐसा दिखता है कि अपन वेस्टर्न कंट्री में आ गए, यूरोप में आ गए, दो मंदिर है लेफ्ट में, रामनवमी तक है वो, रामनवमी तो बाद में रहेगा, यहाँ राइट साइड में है ना, पेट्रोल पंप है ना, हाँ 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 राइट, मगर अच्छा खूबसूरत है यहाँ, ये एग्जिट है, घर से जा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा व्यू है, देखो जबरदस्त व्यू, ऐसा व्यू आपको मिलेगा नहीं कहीं भी, पुराने जमाने का ऐसा दिख रहा है कि हम
एक नई जगह आ गए दुनिया से, हिंदुस्तान से, सिर्फ एक्सप्लोर, रियल एक्सप्लोर, रियल एक्सप्लोर आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। देखिए गोवा का एक्सप्लोर कर रहे हैं, गोवा में तो कलंगुट बीच, बागा बीच देखा रहेगा, ये सब देखते हैं सब आप लोग, कलंगुट बागा वगैरह सब दिखाते हैं, कॉमन कॉमन सेक्टर में ये जो यूनिक पार्ट बना सकते हैं। ये पूरा बैक वाटर है, देखिए पूरा है, समंदर बैक वाटर, समंदर आपको केरला में मिलेगा बैक वाटर, थोड़ा कर्नाटक में, उसके बाद मिलेगा गोवा में, कहीं ना मिलेगा बैक वाटर आपको थोड़ा आपको तमिलनाडु की तरफ। देखिए ये पूरा बैक वाटर समंदर है, देखिए बारिश के लिए पूरा पूरा समंदर बैक वाटर है, मच्छी फिशिंग वशिंग होती है यहाँ पर, आपको किश्ती देखो पूरा बैक वाटर है। उसके बाद सीनरी देखो कैसा है, जबरदस्त है, ऐसा दिख रहा है हम हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर है, इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है, हम इधर उधर जाते देखने के लिए, हमारे यहाँ पर देखने की जगह है। देखिए स्कूल्स वगैरह, देखिए कितना अच्छी जगह है, देखिए घर देखो, ये देखिए घर कैसे बने हुए, देखो पूरा पहाड़ के ऊपर पूरा पोर्चुगल बना है, इसमें पुर्चिकल जब आके यहाँ पर रहते थे जब जब का बने हुए गोवा का। चर्च देखिए, चर्च है, देखिए आज मास है ना, संडे सैटरडे आज, सॉरी सैटरडे, देखिए चर्च है, देखिए और एक बड़ा रहता और आगे से ये पूरा चर्च है, देखिए स्कूल स्कूल है, सुबह चर्च नया ब्रिज है, देखिए नितिन गडकरी साहब ओपन करे, और इसका व्यू देखो आप कितना खूबसूरत व्यू है, मैं आपको बताता हूँ व्यू देखो, ये नीचे पंजी में क्या पूरा है, वास्को 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 डिगामा, ये पूरा देखो केबल देख लो आप लोग, ब्रिज आना देखिए, केबल ब्रिज नया बनाए सो, ये नितिन गडकरी साहब हमारे, नितिन गडकरी साहब जो रेलवे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस है, ओल्ड गोवा चर्च के पास आए हुए, देखिए हम लोग अब देख सकते हैं चर्च है पूरा, ये ओल्ड गोवा चर्च है, ये उधर का राइट साइड का दिख रहा, देखिए वो भी चर्च है, वो हम लोग आए हुए हैं इधर, अब बच्चे भी अंदर गए हुए, मगर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, ये जब पोर्चुगल जब आए थे जब चर्च बनाए, बहुत पुराना चर्च है, उसमें एक मम्मी एक रखी हुई है उसके अंदर, मम्मी आप देख सकते हैं, अच्छा है, आप आगे कुछ भी यहाँ पर प्रेयर कर ले सकते हैं या कुछ भी कर ले सकते हैं प्रेयर में, कुछ गाइड्स भी है वो वहाँ पर उसके बारे में बोलने के लिए, गाइड्स भी है उसके बारे में बोलने के लिए, हल्की सी बारिश हो रही, और अंदर गए कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर का, बता नहीं सकते हम लोग, जो भी आप यही देख लीजिए, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत है, पूरा कम्प्लीटली बने हुआ है, देखिए बहुत ज़बरदस्त है, देखिए आप देख सकते हैं पूरा कम्प्लीटली बने हुआ है, पूरा अच्छा, देखिए दरवाजे वगैरह गाइड्स अच्छा है, यहाँ पर आके फैमिली के साथ या किसी के साथ आके आपको चिल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप लोग, आप प्रेयर भी कर ले सकते हैं, मैं आगे बताते जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ, इसके बाद का मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। थैंक यू, पार्ट 3 कम्प्लीट हो गया।